हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3। इससे पहले वाले सीरीज के अंदर हमने पहली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रीएम्बल के अंदर आने वाले जितने भी एमसीक्यूज के बारे में। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंतर्गत जितने भी हमारे आर्टिकल्स आएंगे। अब जैसे पार्ट 1 के अंदर हमारा आएगा आर्टिकल 1-4 और पार्ट 2 के अंदर हमारा आएगा आर्टिकल 5-11, जिसको कि हम बोलते हैं सिटीजनशिप के बारे में। आज हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक के जितने भी संभावित एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के जितने भी एमसीक्यूज थे वो करवाए, और हमारे सेकंड वीडियो के अंदर प्रीएम्बल में जितने भी एमसीक्यू आते थे वो करवाए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं आगे सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज अ यूनियन एंड नॉट एज अ फेडरेशन। इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन ये बताता है कि क्या बताता है, कि जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ये क्या है, ये यूनियन है ना कि ये कोई फेडरेशन है। थ्रो द वर्ड्स आर इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है इसने ये पूछा, तो ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 1 के अंदर, क्योंकि जब हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहां लिखा है आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हमारा, द पार्लियामेंट मे बाय लॉ मे ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर दिस पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आउटर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट। क्या बोला इसने, इसने ये बोला है कि पार्लियामेंट यदि चाहे तो एक लॉ बनाकर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है, क्या कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर दिस पर्पस शैल बी, मैंडेटरी बोल दिया शैल बी, इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट एक्सेप्ट। कौन सी ऐसी कंडीशन है, ऑप्शन 1 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं सर, इनकम्प्लीट आंसर, अनलेस द बिल हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट to the legislature of the state for expressing its views thereon. गलत है सर, unless the bill has been referred by the president to the council of ministers of the state for expressing its view thereon. ये बात गलत है सर, option D on the recommendation of president. देखो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, recommendation होनी चाहिए किसकी, राष्ट्रपति, उसके आगे भी कुछ है, and unless The bill has been referred by the president to the legislature. बात समझ में आई, बिल कौन भेज रहा है, राष्ट्रपति भेज रहा है, किसको भेज रहा है, लेजिस्लेचर को, of that state for expressing its view thereon. किसकी ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रेसिडेंट की ओपिनियन की बात हो रही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, The authority to alter the boundaries of a state in India rests with कौन कर सकता है किसी state की boundary को alter? कौन करेगा, अभी हम पढ़ के आए थे कौन करेगा, Parliament करेगी, resolution pass करेगी। इसके लिए आपको article 3 पढ़ना पड़ेगा, वो आपका homework। Next question, the power of a parliament to form a new states or alteration of area and boundaries is drawn from किससे, कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 246। बात समझ में आती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेशन हमारा बहुत छोटा सेशन होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैं करवाऊंगा, तो ये बहुत छोटा सेशन होगा, मेरे ख्याल से मुश्किल से 10 से 15 मिनट का सेशन होगा आज का। लेकिन इसके बाद जो सेशन आएंगे पार्ट 3, 4, 4A,
फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, वो बहुत बड़े बड़े होने वाले। उसमें कम से कम एक एक टॉपिक के ऊपर दो दो सेशन हमारे लगेंगे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना। थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्वेश्चन एक एक कंप्लीट करवाऊंगा उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट एक नई स्टेट बना सकती है, कहाँ लिखी है बात? आर्टिकल 3 के अंदर। अब देखो पूछ वही रहा है लेकिन तरीका अलग हो गया। सिर्फ मेरा यही पर्पस है आपको बार बार सेम तरीके को क्वेश्चन करवाना, कि क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। अगर आपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपके लिए जस्ट आपने देखा और आंसर आ गया। लेकिन अब जब आपने पढ़ा ही नहीं है, आप क्या हो गए? कंफ्यूज रहोगे। आप जिस स्टेट में नेगेटिव मार्किंग है वहाँ मार खा जाओगे, जहाँ पर नहीं है वहाँ तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मार्क्स का इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज एम्पावर्ड टू एडमिट इन टू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। देखो क्वेश्चन वही पूछ रहा है लेकिन पूछने का तरीका अलग। ठीक, क्या पूछा है? किसके पास अधिकार है यूनियन या एक नई स्टेट बनाने का? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही तो होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बात समझ में आती है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद इन द मीनिंग ऑफ अंडर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन, क्या करेगी? नई स्टेट भी फॉर्म कर सकती है? कर सकती है सर। ऑल्टर एरिया ऑफ स्टेट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है सर। ऑल्टर बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, ये भी कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी। सब कुछ कर सकती है आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट। ये बात याद रहेगी, नई स्टेट भी फॉर्म हो सकती है, उस स्टेट का एरिया भी ऑल्टर हो सकता है, उस एरिया उस स्टेट के बाउंड्रीज उसका नेम भी चेंज हो सकता है। जैसे देखो इतने सारे अभी हमने इलाहाबाद को प्रयागराज होते हुए देख लिया, और बहुत सारे स्टेट के नाम चेंज होते हुए देख लिए। अब बात समझ में आती है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट्स फ्रॉम अ टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो एक वर्तमान में स्टेट है उसमें से एक नई स्टेट बनाना, जैसे पहले उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था, उसमें उत्तराखंड अलग कर दिया था, इतने बड़े एरिया में से दोनों को अलग अलग करना, बिहार अलग था, बिहार अलग कर दिया, झारखंड अलग कर दिया। ये बात समझ में आती है? आगे ऑप्शन ए, पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू एडमिट अ न्यू स्टेट इन टू अ टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या है? ये बात है तो सही लेकिन सर ये आंसर इनकम्प्लीट है, तो इसको हम गलत कर। ऑप्शन बी, पार्लियामेंट में क्रिएट अ न्यू स्टेट एज पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट ओनली इफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट एफेक्टेड द पास रेजोल्यूशन। राष्ट्रपति की बात हुई थी। नेक्स्ट, The legislature of a state affected may create a new state as a part of a union of India by passing a resolution of 2/3 of majority to that effect. क्या ये होगा? आगे देखते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, When the name of a state is changed or a new state is created, The Constitution of India is required to be amended by the Parliament by, अब जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, या सपोज मान लो कोई और स्टेट है उसका नाम हमने चेंज कर दिया, तो क्या होगा? क्या करना पड़ेगा पार्लियामेंट को? सिंपल मेजोरिटी एज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 107 एंड 108, सिंपल मेजोरिटी से काम होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, क्या लिखा है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट आर एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद
प्रोविजंस ऑफ अ एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट द स्टेट चैलेंजेस द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन। अब अगर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के एक्शन के ऊपर चैलेंज कर दिया तो इनमें से कौन सी बेस्ट लीगल पोजीशन पे हो? द स्टेट गवर्नमेंट कैन चैलेंज द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड दैट इन इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर द स्टेट्स प्रॉपर्टी कुड नॉट बी एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कहीं नहीं लिखा भैया। ऑप्शन बी द स्टेट गवर्नमेंट कैन फाइल अ पिटीशन बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जब हम 32 की बात करते हैं तो हम 32 में किसकी बात करते हैं? रिट की बात करते हैं, रेमेडियल है ये। तो क्या स्टेट सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी, गलत बात है। नेक्स्ट द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज वैलिड। क्या क्यों है वैलिड? बिकॉज स्टेट्स आर नॉट सोवर्जन। और हम बात करें सोवर्जन की, कौन है? इंडिया है। और ये पावर किसको दे रखी है? पीपल को दे रखी है, ये बात ध्यान रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फेडरल इन अ नेचर एंड कंटेन्स एडिक्वेट प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ अ स्टेट प्रॉपर्टीज बाय द सेंटर अंडर द लॉ। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा पार्ट है? पार्ट टू। कहां से कहां की बात कर रही है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ये बात समझ में आती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज अ यूनियन एंड नॉट अ फेडरेशन। शो द वर्ड्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे उसको मैं बार बार नहीं करवाने वाला, इससे आपका भी टाइम बचेगा और हम इसमें किसी और क्वेश्चन पे फोकस कर पाएंगे। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर बी। द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया दैट इज भारत। इंडिया और भारत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एम्पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। किसके पास अधिकार है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास अधिकार बताया था ना मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट? कौन से आर्टिकल में न्यू स्टेट फॉर्म कर देगी? आर्टिकल 3 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। अंडर आर्टिकल 3 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस इन अ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। किसके रिकमेंडेशन बताया था? राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, द अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद पार्लियामेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और अ ऑल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ बाउंड्रीज इज ड्रॉन विद द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन आर्टिकल 246, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, within the meaning of article 3 of the constitution of india the parliament may by law can kya kar sakti hai? form a new state, alter area of new state, alter boundaries or name existing state, all of the above, option number। question number 9, which of the following in india is empowered to admit into the union or establish new states? parliament, obvious baat hai। अब इसमें सारे क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं, कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन इसके अंदर फॉर्म नहीं हुए।
और अगर मेरे को आगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उसको जरूर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्किम वॉज इंट्रोड्यूस सिक्किम वॉज इंक्लूडेड। सिक्किम को कौन सी अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 36 अमेंडमेंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेट इन इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन द बेसिस ऑफ लैंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पर कौन सी स्टेट बनाई गई थी? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। एक आदमी की सिटीजनशिप को हम कैसे रद्द नहीं कर सकते? रिनेंसिएशन से तो कर सकते हैं, एक्विजिशन से भी कर सकते हैं, डेप्राइवेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन द टूअर जर्नी ऑफ अनदर स्टेट फॉर फ्यू मंथ्स, तो हम उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट सिटीजन बाय डोमिसाइल। कौन सिटीजन डोमिसाइल से नहीं होगा? कौन नहीं होगा? दोज हु हैव बीन ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज वर्क इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी, इसको हम इंडियन सिटीजन बाय डोमिसाइल कंसिडर नहीं करने वाले। ऑप्शन नंबर सी। बाकी के दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, जो कि बात करता है हमारा पार्ट थ्री। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स वाला कॉन्सेप्ट है, इसके एमसीक्यूज हैं, ये हमारे 2 से 3 वीडियोस लेगा। मतलब मैं कहूँ अगर हमारी एक वीडियो 1 घंटे की भी बनती है तो 2 से 3 वीडियो मतलब 3 आवर्स का ये कॉन्सेप्ट चलेगा। आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरे सेशन अच्छे लग रहे हो तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर, और अगर आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।